भूमि में आप लोग सबका बहुत बहुत अभिवादन करना चाहूंगी। सबको प्रणाम, माताएं बहने आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी संख्या में यहां रुके हो। बताते हैं कि 3 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, अब वो तो 5 घंटे कर दो, 3 घंटे से रुके हो। ये माताएं बहने आप लोगों ने भी टाइम निकाला है, उसके लिए भी आपको सबको धन्यवाद। दो चार चीजें इसके बारे में मैंने पता करने की कोशिश की, वैसे नगर में भी दूसरी बार आ रही हूं। क्यों जी, याद है? याद है, पहली बार इससे पहले भी आई हूँ, आज आपको फिर देख के बहुत अच्छा लगा। इस क्षेत्र के अंदर दूसरी बार आने का हुआ, उस समय तो आपने मेरे को क्षेत्र से बाहर कर दिया था, केंद्रीय मंत्री के रूप की ना, उस समय केंद्रीय मंत्री थे तो आप लोगों ने बाहर कर दिया था, तो क्षेत्र के अंदर से बात करते हैं। फ्लोराइड युक्त पानी की आपूर्ति हो रही है, सही है? क्यों फ्लोराइड पानी, फ्लोराइड का पानी है ना, ₹247 करोड़ की योजना दी थी हमने बीसलपुर बांध के, कांग्रेस ने 4 साल लगा के रखा, इसको लटकाए रखा है, और अब योजना 600 करोड़ की हो गई है। हमारे टाइम में 247 करोड़ की थी, आज 600 करोड़ की हो गई है, और पानी अभी तक नहीं मिला है। ये फिर वही होगा, अभी तक किसी को नहीं मिला है। जीएसएस हमने बनाया था, आज वहां कोई कर्मचारी नहीं है। ट्रिपिंग की जोरदार समस्या है ना, और बिजली कुछ महिलाओं के लिए जो सिंगल फेज वाली बिजली है वो 8 या 9 घंटे, और जो 3 फेज वाली है 4 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, वो भी ट्रिपिंग के साथ। आपके ये प्राथमिक अस्पताल में दोनों पद डॉक्टरों के खाली, तो आप पर बड़ा इलाज हो रहा होगा यहाँ। कंपाउंडर के भरोसे ही अस्पताल चलता है। बालिका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में व्याकर्ताओं के पद खाली हैं। कुल मिलाकर 50% अध्यापक ही स्कूल चला रहे हैं, सही है? ये क्या दूनी से नगर है, दूनी फोर्ट तक सड़क की हालत है, वो तो मेरे से कहो, क्या सड़क से निकलते हुए आ रहे हैं हम लोग, मरम्मत के नाम पर तो टोटल भ्रष्टाचार। वो कल मैं जब जयपुर से निकल के आई थी, तो जो मेन सड़क है आपकी जो टोंक के लिए जाती है, उस सड़क को मेरे तो बहुत ही खराब थी, उसके बाद बहुत अच्छी, उसके ऊपर डामर पूरा काला से काला यहाँ से वहां तक हो रहा था, तो मुझे खुशी हुई, मैंने कहा चलो कुछ तो काम हुआ है। आगे बड़ी को देखा, इतना बड़ा छेद, वहां से डामर उड़ गया, आगे चली तो और डामर उड़ा, और मैंने कहा कि बरसात जब तक आएगी मुझे लगता है कि बहुत सारा डामर पूरी की पूरी सड़क ही उड़ जाएगी, जिस तरीके से इन लोगों ने बनाया सब दूर जोरों का भ्रष्टाचार। उप तहसील को प्रमोन्नत करने की मांग है आपके यहाँ, और वैसे विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं आपके विधायक महोदय, पर आपके पास तो रोज आते ही होंगे और आपके संकट को पूछते ही होंगे, आते ही होंगे वो तो, यही वजह है कि आपका इतना अच्छा विकास हो रहा है, इतना जोरदार विकास हो रहा है। जब रोज रोज एमएलए आ रहा है, आपसे पूछताछ कर रहा है, तो फिर काय की चिंता है? माँ क्या कह रहे हैं, माता बहन सुनाई भी नहीं होती है, वोट नहीं लिए होंगे, सुनाई ना करें, हाँ सुनाई ना करें। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, ये कांग्रेस वालों ने तो हद ही कर दी है, और जहां जहां मैं सुनती हूँ, चाहे आपको 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं, चाहे आपका मुफ्त जांच, चाहे आपको किसानों को 1,50,000 का ऋण मिल रहा है, मिल रहा है 1,50,000 का ऋण बिना ब्याज मिल रहा है क्या? आजकल नया काम चालू कर दिया है, पेंशन के कैंप, और जहां मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे कैंप आता है, तो तुम्हारे यहां भी आएगा सबके,
आएगा आएगा तुम्हारे भी आएगा। मेरे को धन्यवाद देना क्योंकि जो रेवड़ी बट रही है ना ये अपनी रेवड़ी है, लेने में कोई मुसीबत नहीं है। परंतु मैं ये खाली इतना कहना चाहती हूँ कि अभी क्यों याद आई, ये 4.5 साल पहले जब मैं चली गई थी यहाँ से तो मैंने भामाशाह की योजना शुरू करने की कोशिश की थी माता बहने, आप लोग जानती हो। ये महिलाओं के लिए थी कि 50 लाख परिवार अपनी महिलाओं के द्वारा, अब उसमें बीपीएल परिवार थे, उसमें एससी थे, उसमें लघु और सीमांत कृषक थे और भी लोग, उसके अंदर पेंशन का भी काम बहुत सारे, इसका हम लोगों ने इंतजाम किया था और कार्ड देने का था, हर महिला को कार्ड मिलता और उस कार्ड के ऊपर उसका परिवार उस पर पैसा निकाल सकता था, ऐसा इंतजाम किया था। और उस कार्ड पे 30,000 रुपए साथ में स्वास्थ्य बीमा भी हमने उसके साथ जोड़ा था, इतना अच्छा था। ये स्कीम अगर तब कर दिया होता तो आज ये रेवड़ी बांटने की जरूरत नहीं होती, व्यवस्थित रूप से सबको मिलता और सब लोगों को वही जो अभी इधर उधर हाँ 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 करके फेंक रहे हैं वो सब व्यवस्थित रूप से 4.5 साल से आप लोगों को मिलता। मैं ये कह रही हूँ कि 4 महीने क्यों, पूरे 4.5 साल क्यों नहीं, ये पूछने वाली बात है। और फिर अपना ही है, मैं तो कहती हूँ अपना ही पैसा है ले लो, ये नहीं लोगे आप तो उनके जेब में जाएंगे, इसलिए अपना पैसा ले लो। परंतु ध्यान रखना कि 4.5 साल हम लोगों को दुखी करके रखा है, ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, ना खाद मिलता है, ना बीज मिलता है समय पे, ना फसल के दाम मिलते हैं। अगर खराबा हो जाता है तो मुआवजा नहीं मिलता, अखबारों में लिखा जाता है कि हम मुआवजा देंगे, परंतु मुआवजा किसी को मिला यहाँ, किसी को नहीं मिला और ना मिलेगा। अब उनने सोचा कि हमने जो रेवड़ी बांट ली है ना वो बहुत है, अब हमको न रोड बनाने की जरूरत है, ना बिजली देने की जरूरत है, ना पानी का इंतजाम करने की जरूरत है। लोग ये सब चीज को भूल के वो रेवड़ी अपने हाथ में ले लेंगे और हमें वोट दे देंगे। अब उनको बताना पड़ेगा अपने को कि अपन ने क्या सोचा हुआ है, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ पानी नहीं है पीने को, जहाँ पढ़ाई नहीं है, जहाँ डॉक्टर नहीं है, क्या वो आदमी रेवड़ी लेके अपना ईमान बेच देगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि राजस्थान का आदमी एक बहुत स्वाभिमानी और इज्जतदार आदमी है और वो सब चीज समझता है, मुझे इसी की खुशी है। और मैं जानती हूँ कि समय आएगा तो हम सब लोग उसको बता देंगे कि क्या काम हो रहा है, और जब नहीं हुआ है उस 4.5 साल तक जब नहीं हुआ आज क्यों हो रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि 55 साल अपन ने कांग्रेस को दिए, 55 साल के अंदर वो बदल सकते थे, 5 साल आपने मुझे दिए, अपन ने बदला कि नहीं बदला, काम हुए कि नहीं हुए, 5 साल के अंदर हुए ना। मैं पूछ रही हूँ कि गुजरात के अंदर 15 साल के अंदर कितना काम हुआ, मैं तो यहाँ सब जवान बच्चे मेरे को यही कहते हैं कि राजस्थान को गुजरात बना दो, 15 साल, बस 15 साल में उनने काया पलट कर दी। 10 साल में मध्य प्रदेश का किया कि नहीं किया, कोई भी जाके पूछ ले मध्य प्रदेश में देखा है, जब 10 साल में हो सकता है, 15 साल में हो सकता है, 5 साल में हो सकता है, 55 साल, 55 साल में क्यों नहीं हो सकता? एक पूरे हमारे लोग, मैंने एक मेरी उम्र के लोग सब बूढ़े हो गए, कुछ नहीं मिला, पूरा क्षेत्र खत्म हो गया, हमारे बाहर अब जवान और खड़े हो रहे हैं, क्या उनकी जिंदगी भी हम ऐसी खराब करेंगे? ऐसे लोगों को जो हमारी महिला की इज्जत नहीं रख सकते, जो हमारे किसान को मजबूत नहीं बना सकते, जो नौकरियों का इंतजाम हमारे बच्चों के लिए नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को कुर्सी में बिठा के रखेंगे क्या? बोलो तो बिठाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने पढ़ा अखबार 2-4 दिन पहले का, आपने पढ़ा जिसमें छोटी बच्चियां जो मूक बधिर थी उनके साथ किस तरीके का अत्याचार 7-8 महीने से हो रहा है और वो भी जयपुर में? आपने पढ़ा कि 30 अप्रैल को सबको मालूम हो गया था, परंतु क्योंकि राहुल गांधी ही रहे थे इसलिए उस बात उसके बारे में किसी को उजागर नहीं करना चाह रहे, किसी को बताना नहीं चाह रहे थे कि हमारे साथ हो रहा है। माताएं बहने, जब आप सड़क के ऊपर आराम से और सुरक्षित नहीं चल सकती हो तो क्या मतलब ऐसे राजस्थान, ऐसे परिवार का क्या मतलब जो अपनी माता और बहन को सुरक्षित नहीं रख सकते? और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस घर में माँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं, वो घर सुरक्षित नहीं। फिर आखिर में हमको अगर विकास चाहिए, जो हम कहते हैं कि आज सब बैठे हुए सब लोग चाहते हैं विकास, अगर हम सबको विकास चाहिए तो फिर लड़ाई झगड़े से काम नहीं होगा, एक जात दूसरे जात से लड़े ये तो बढ़िया है, कांग्रेस तो चाहती है, एक मजहब दूसरे से लड़े कांग्रेस चाहती है, क्योंकि फिर पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, विकास करने की जरूरत ही नहीं है। ये जरूरी है कि पूरा राजस्थान
قرآن اب ایک آواز سے بولے سب جاتیاں سب مذہب ایک ساتھ ہو کے پیار کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو وکاس بنے گا راجستھان کا وکاس ہوگا 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 اس کو کوئی نہیں روک سکتا جب 10 لاکھ بچوں کو ہم نے نوکری دی سرکاری اور غیر سرکاری تو یہ پچھلے دنوں کے اندر 50,000 تک کی نوکری نہیں دے پائے میں کہہ رہی ہوں کہ اتنے تو پد خالی ہیں ٹیچر کے 1 لاکھ سے اوپر پد خالی ہیں ڈاکٹر کے پد خالی ہیں کرمچاریوں کے پد خالی ہیں ان سب پدوں کو اگر بھر دیتے تو آج آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول میں ٹیچر ہوتا اور آپ کے پی ایچ ڈی کے اندر اور آپ کے اسپتالوں کے اندر سنبھالنے والا ڈاکٹر ہوتا پرنتو یہ نہیں کیا ہم نے اس کی وجہ سے آج گاؤں گاؤں کے اندر ہم کو یہ دکھ دیکھنے کو مل رہا ہے اب بھائیوں اور بہنوں آپ لوگوں سب کو طے کرنا ہے میں تو جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ پیار دیا ہے اس پیار کی میں بہت بہت آپ کی آبھاری ہوں مجھے جگہ جگہ پہ ایسے سندر سندر سے چندڑیاں آپ لوگوں نے پہنائی ہیں اس چندڑی کی عزت کو رکھنے کا کام آپ نے مجھے دیا اس کا وشواس آپ نے میرے کندھے پہ ڈالا آپ کے پیار کے اس وشواس کو پورا کرنے کے لیے اور آپ کی اس عزت کو نشکلنک رکھنے کے لیے میں پوری طرح سے سنکلپت ہوں آپ کو آج دن تک نیچے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوئی اور آگے بھی وہ استھتی نہیں بنے گی یہ میں آپ کو وشواس دینا چاہتا ہوں پرنتو اس پریوار آپ لوگ سنگھرش تو میں کرنے کو تیار ہوں بھیا سینا کی بھی ضرورت ہوتی ہے میں سنگھرش کرتے رہوں ہاں اور تم سینا پیچھے نہ ہو تو پھر کیا مطلب سنگھرش کرنے کا ساتھ ہو اور اگر لڑنے کو تیار ہو آج کل یہ ہوا سی بی آئی کا آ گیا ہے سنا ہے نا سی بی آئی کا ہوا بیچارے گلاب جی کو جو بالکل ہی نشکلنک ہے نشپاپ ہے بالکل پاک ہے ایسے ویکتی کو ڈرانے دھمکانے اس کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں اور میں نے تو یہ کہہ دیا کہ آپ ہم کو نہ فائل سے نہ آیوگ سے نہ سی بی آئی سے ڈرا سکتے ہو کیونکہ اگر ایشور کے سامنے صحیح کام کرنے کی پرتیجا لے کے ہم چل پڑے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ہی جواب ہمیں دینے کی ضرورت ہے اور جنتا کو جواب دینے کی ضرورت ہے ہم تو آگے چلیں گے مدد کریں گے کام کریں گے بس آپ کا پیار بنا رہے ہیں آپ کا آشیرواد بنا رہے بس اتنا چاہیے آپ کو بنا یہ کرتے رہو گے ساتھ بنے رہو گے تو میں وشواس کرتی ہوں کہ ہم لوگ مل کے اپنے راجستھان کا وکاس کریں گے اور جب راجستھان کا وکاس ہوگا تو ہمارے سب کے پریوار کا وکاس ضرور ہوگا یہ میں وشواس آپ لوگ سب کو دلانا چاہتی ہوں سب کو بہت بہت سارا پیار بہت سارا پیار ماتا ہے میرے یہ مندر میں آپ نے دے دیا اس کو بہت بہت دھنیواد آپ کا یہاں کا جو بھی مندر ہے اس میں آپ دے دیجیے